कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब धरती पर कोई भी जीवन मौजूद नहीं था। इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी कुछ भी नहीं। तभी हम आसमान से एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। उसमें से एक एलियन बाहर आता है जो दिखने में इंसानों जैसा ही था। वो एलियन पानी के पास आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी होती है। वो उस कटोरी में रखा एक काले रंग का लिक्विड पी लेता है। उस लिक्विड को पीने के बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होकर पानी में बह जाती है। मूवी में ये दिखाया गया है कि वो एलियन खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस करता है और उसी की डीएनए पानी के साथ मिल जाने के कारण यहाँ पर जीवन शुरू हुआ था। उसके बाद हमें 35,000 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो गुफाओं के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक चित्र दिखाई देती है। उस चित्र में एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा था, डॉक्टर एलिजाबेथ शो और उनके बॉयफ्रेंड डॉक्टर चार्ली। ये चित्र देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे ही चित्र उन्हें और भी कई जगहों पर मिला था और ये चित्र उन सबसे पुराना था। उन सभी चित्रों में वो इंसान एक ही तारामंडल की तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए ये लोग अनुमान लगाते हैं कि जिन्होंने हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें। इसके बाद हम पीटर नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो एक होलोग्राफिक इमेज में होते हैं। वो 17 लोगों की एक टीम तैयार करते हैं उस ग्रह पर जाने के लिए जिसे चित्र में दिखाया गया था। उस ग्रह का नाम है LB223। इस टीम में डॉक्टर शो और चार्ली भी होते हैं। अब ये 17 लोगों की टीम प्रोमिथियस नाम की एक स्पेसशिप से उस ग्रह की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग शिप में स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उस ग्रह पर पहुंचने के लिए उन्हें कितने दिन या कितने साल लगेंगे। और उन्हें मॉनिटर कर रहा था एक एंड्रॉइड रोबोट जिसका नाम था डेविड। वो दिखने में इंसानों जैसा ही होता है। अब 28 महीने के बाद ये लोग उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। डेविड उन्हें स्लीपिंग चैम्बर से एक एक करके जगाता है। सब लोग जाग जाते हैं। अब धीरे धीरे शिप को उस ग्रह के पास ले जाते हैं, लेकिन उस ग्रह पर उन्हें जीवन की कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। वो लोग शिप को चारों ओर घुमाते हैं, तभी इन्हें पिरामिड के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर के पास शिप को उतारते हैं, और जब उनका शिप वहाँ पर लैंड करता है तो उन्हें लगने लगता है कि ये जगह कोई कुदरती नहीं बल्कि किसी ने उसे बनाया है। इसलिए चार्ली कहता है कि हमें अभी और इसी वक्त वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन शिप का कैप्टन कहता है कि रात होने में कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए हम कल सुबह चलते हैं। लेकिन चार्ली नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे अभी जाना है और देखना है कि वहाँ पर क्या है। इसके बाद सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए स्पेस सूट हेलमेट वगैरह पहनते हैं और उस स्ट्रक्चर पर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग वहाँ पर स्कैनर छोड़ते हैं। स्कैनर उन गुफाओं को स्कैन करना शुरू कर देता है और शिप में उस जगह की नक्शा बनना शुरू हो जाता है। अब ये लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं। फिर चार्ली कहता है कि यहाँ का वातावरण पृथ्वी के जैसा ही है, हम यहाँ पर सांस ले सकते हैं। और वो अपना हेलमेट उतार देता है और उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल सुरक्षित था। अब सभी अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब इसके बाद सब लोग जब आगे जाते हैं तो उन्हें अंदर जाने का एक दरवाजा मिलता है और वो दरवाजा लॉक था। डेविड जो कि एक रोबोट था वो उस दरवाजे पर लिखा कुछ लाइन पढ़कर लॉक खोल देता है। तभी उन्हें कुछ होलोग्राफिक इमेजेस दिखाई पड़ते हैं जो भागते हुए उस दरवाजे की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक वहीं पर गिर जाता है और बंद होते दरवाजे से उसका सर कट गया था। जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सच में वहां पर एक लाश पड़ी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है और उसका सर दरवाजे के उस तरफ होती है। ये लोग दरवाजा खोल नहीं पाते क्योंकि ये घटना 2000 साल पहले हुआ था और तभी से ये दरवाजा बंद पड़ा है। तभी डेविड दीवार पर उंगलियों से कुछ लकीरें खींचता है जो कि एक कोड होता है दरवाजा खोलने का, और दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के उस तरफ सच में उसका सर होता है। अब ये लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी होती है। उनकी वहाँ जाते ही वो पेंटिंग गलने लगती है। अब डेविड देखता है कि वहाँ एक मटके में से काले रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2000 साल से ये दरवाजा बंद था और जब ये दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ के वातावरण में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तभी उनके स्पेसशिप से कॉल आता है कि जल्दी से वापस आ जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम स्पेसशिप के दरवाजे बंद कर देंगे। अब डॉक्टर शो जल्दी से उस एलियन के सर को एक बैग में रखती है और यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। डेविड जब देखता है कि वो लोग जा रहे हैं तो वो उन्हें बिना बताए वहाँ से एक मटका उठाता है और अपने साथ ले आता है। अब ये लोग पिरामिड से जब शिप की तरफ जा रहे थे तभी तूफान भी आ चुका था। सब लोग भागते हुए शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर शो के हाथ से वो एलियन का सर गिर जाता है।
डॉक्टर शो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन तब तक तूफान आ चुका था और वो तूफान में फंस जाती है। चार्ली जब देखता है तो वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो भी उस तूफान में फंस जाता है। फिर डेविड केबल की मदद से किसी तरह उन्हें बचाकर शिप के अंदर ले आता है, लेकिन अभी भी दो लोग उस पिरामिड के अंदर होते हैं, क्योंकि वो लोग उनसे अलग हो गए थे और जल्दी जल्दी में ये लोग उन्हें बताना भूल गए थे। कैप्टन उन्हें कॉल करता है और बताता है, आज रात को आप लोग वही रहना क्योंकि तूफान आ चुका है, इसलिए कल सुबह हम आपको लेने आएंगे। इसके बाद डॉक्टर शो जो उस एलियन का सर लेके आई थी वो उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। उस सर पर हेलमेट लगा हुआ था, वो उसे खोलते हैं और हम देखते हैं कि ये सर उसी की तरह होता है जिस एलियन को हमने मूवी की शुरू में देखा था। अब ये उसके सर पर एक इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सर फट जाता है। कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि इस एलियन की डीएनए और इंसानों की डीएनए सेम है, यानी कि उन्हीं की वजह से हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और हो सकता है कि ये शायद हमारे पूर्वज हुआ करते होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड चुपके से किसी से बात कर रहा था। डेविड किसके साथ बात कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। अब डेविड उस मटके को बाहर निकालता है जो उसने पिरामिड से लाया था, वो उसे खोलता है जिसके अंदर कुछ अलग टाइप के डीएनए थे। वो उस डीएनए को हाथ में लेके चार्ली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप अपने सवालों के जवाब जानने के लिए किस हद तक जा सकते हो। चार्ली उसे यूं ही बता देता है कि किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसके बाद डेविड चार्ली की ड्रिंक में वो डीएनए मिला देता है, क्योंकि उसे जानना होता है कि ये डीएनए इंसानों के बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है। इसके बाद हमें वो दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो पिरामिड के अंदर रह गए थे। डेविड ने जो मटका वहां से उठाया था उस मटके से कुछ डीएनए नीचे गिर गए थे और उन डीएनए से एक जीव का जन्म होता है जो दिखने में सांप जैसा था। वो उन साइंटिस्ट पर हमला कर देता है और उस साइंटिस्ट के हेलमेट के अंदर जाकर उसे मार देता है। दूसरा साइंटिस्ट उस सांप को चाकू से काट देता है, लेकिन उस सांप का खून उस पर गिरने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। दूसरी ओर हम चार्ली को देखते हैं जो ड्रिंक पीने के बाद अपने कमरे में आता है और एलिजाबेथ शो के साथ इंटीमेट होता है, और सुबह जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो उसे अपने आंखों में कुछ बदलाव नजर आता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाकी लोगों के साथ उस पिरामिड में पहुंच जाता है उन दो साइंटिस्ट को लाने के लिए। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ उन दो में से एक की लाश पड़ी होती है और एक दिन पहले उन्होंने जो स्कैनर छोड़ा था वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर दरवाजा था। डेविड अकेला उस तरफ जाकर उस दरवाजे को खोल देता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई पिरामिड नहीं बल्कि उन एलियन का एक स्पेसशिप होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ बटन्स दिखाई पड़ते हैं और जब वो उन्हें दबाता है तो उसके सामने फिर से होलोग्राफिक इमेजेस चलने लगता है। वो देखता है कि ये एलियन इस स्पेसशिप को लेकर पृथ्वी पर जाने वाले थे। तभी वो वहाँ के स्लीपिंग चैम्बर में देखता है कि एक एलियन अभी भी वहाँ पर सोया हुआ था और वो अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और वो चल भी नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेविड ने जो उसकी ड्रिंक में डीएनए मिलाया था उसका असर होना शुरू हो गया है। अब ये लोग शिप में कॉल करते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोल दो, हम वापस आ रहे हैं क्योंकि चार्ली का तबीयत खराब हो चुका है। लेकिन उस शिप का जो हेड होती है वो कहती है कि मैं किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड इंसान को अंदर आने नहीं दूंगी क्योंकि उससे सबकी जान को खतरा है, और वो एक फायर गन लेके आती है और सबको कहती है कि यहाँ से हट जाओ, मैं उसे मार दूंगी। एलिजाबेथ शो और बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन चार्ली खुद कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि वो जानता है कि वो बचने वाला नहीं है और बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन चुका है। फिर कमांडर उसे जला देती है और इस सदमे से एलिजाबेथ शो बेहोश हो जाती है, और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि डेविड उसकी कुछ चेकअप कर रहा था, और चेकअप करने के बाद डेविड उन्हें बताता है कि आप 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एलिजाबेथ शो हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ एक दिन पहले चार्ली के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डेविड बताता है कि ये कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि ये एक एलियन है, इसलिए वो इतना जल्दी बड़ा हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर शो कहती है कि उसे अभी और इसी वक्त मेरे पेट से निकालो, लेकिन डेविड कहता है कि ये यहाँ पर संभव नहीं है, हम आपको स्लीपिंग चैम्बर में डाल देंगे और धरती पर जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। उसके बाद डेविड उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया जा रहा था, इसलिए वो उन सबको बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और एक अलग कमरे में जाती है जहाँ पर एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो हर तरह का ऑपरेशन कर सकता था। डॉक्टर शो उस मशीन की मदद से वो कीड़ा अपने पेट से निकाल लेती है और उसे उस मशीन में बंद करके वहाँ से बाहर आ जाती है। और जब वो यहाँ से दूसरी चैम्बर में जाती है तो वो देखती है कि पीटर वेलेंट जिन्होंने 17 लोगों की टीम को यहाँ भेजा था वो खुद भी उनके साथ यहाँ पर आए थे।
वो इतने दिन स्लीपिंग चैम्बर में थे और अभी अभी जागे होते हैं, और डेविड उनके लिए ही काम करता था। वो जानना चाहते थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे शुरू हुई, और अगर इसका राज मिल गया तो वो अपने आप को अमर बना सकते हैं। बस यही रीजन था कि वो पृथ्वी से इतने दूर यहाँ पर आए थे। तभी डॉक्टर शो कहती है कि वो सब मर चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी डेविड कहता है कि वो सब नहीं मरे, उनमें से एक अब भी जिंदा है और वो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर है, और हम सब उसी से मिलने जा रहे हैं। अब सब लोग वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। डेविड उन्हें लेकर उसी चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो एलियन सोया हुआ था। डेविड उसे स्लीपिंग चैम्बर से जगाता है और उसी की भाषा में उससे बात करने लगता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ जवाब देता। पीटर उसे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कहता है, और जब डेविड उसे उम्र बढ़ाने की बात करता है तो उस एलियन को गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को पकड़ के उसका सर उखाड़ देता है, और यहाँ पर जितने लोग होते हैं सबको मार देता है। लेकिन डॉक्टर शो यहाँ से बचकर भाग जाती है। अब वो एलियन अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है पृथ्वी की ओर, क्योंकि उनका लास्ट मिशन होता है कि पृथ्वी को खत्म करना। एलिजाबेथ शो किसी तरह वहाँ से बाहर आती है और अपने शिप की कैप्टन से कहती है कि ये शिप यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि हमें कुछ नहीं रोकना, हम घर वापस जा रहे हैं। एलिजाबेथ शो उसे कहती है कि अगर तुमने स्पेसशिप को नहीं रोका तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये स्पेसशिप पृथ्वी की विनाश करने के लिए जा रहा है। अब वो एलियन स्पेसशिप जाने के लिए ऊपर उठ चुका था। तभी कैप्टन अपना स्पेसशिप उड़ाता है और उस एलियन शिप के साथ टकरा देता है। उसके बाद दोनों शिप नीचे गिर जाता है और जितने भी लोग शिप में होते हैं सभी के सभी मारे जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एलिजाबेथ ही बची होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसका हेलमेट भी खराब हो चुका था, इसलिए वो शिप के अंदर जाती है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आने लगती है, और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर वो कीड़ा होता है जो उसके पेट से निकला था। अब वो बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तभी उसे डेविड का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अब वो एलियन उस तक पहुँच जाता है। तभी एलिजाबेथ शो वो दरवाजा खोल देती है जहाँ पर वो जानवर था, और वो जानवर एलियन को पकड़ लेता है और मार देता है। एलिजाबेथ शो जब वहाँ से बाहर आती है तभी उसे डेविड की आवाज आती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एलिजाबेथ शो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। डेविड कहता है मेरी मदद के बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे स्पेसशिप है जिन्हें मैं चलाना जानता हूँ। इसके बाद एलिजाबेथ शो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैं पृथ्वी पर वापस जाना नहीं चाहती, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से वो एलियन आए थे। डेविड कहता है कि तुम वहाँ जाकर करोगी क्या। वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने हमें बनाया, फिर वो हमें मारना क्यों चाहते थे। इसके बाद ये दोनों उसी ग्रह की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ से वो एलियन आए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन जो मरा हुआ था उसकी पेट से एक जानवर बाहर निकलता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।